नमस्ते राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। मैं ज्योति, स्वागत है आपका मेरी चैनल पर। आज ये मेरा पहला ब्लॉग है तो बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं चाहती हूँ कि कुछ मैं अपने बारे में आपको बताऊँ। मेरा नाम ज्योति है, मैं उत्तराखंड से हूँ और हरियाणा के गुड़गांव में यहाँ पर रहती हूँ। और मेरे दो बच्चे हैं, जो मेरा ससुराल है वो यूपी में है। और आज काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी ब्लॉग बनाऊँ ब्लॉग बनाऊँ, बट किसी ना किसी चीज़ से कोई ना कोई चीज़ आगे आई जाती थी, टाइम ही नहीं मिल पाता था। तो सोचा कि आज से मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। और मेरी फैमिली में सास ससुर दो जो मेरे हैं, जेठ जेठानी हैं, उनके बच्चे हैं और सबसे छोटे हम हैं। और मेरे दो बच्चे हैं, दोनों स्कूल जाते हैं, बहुत शैतानी करते हैं। आज मेरे बच्चों ने बोला कि मम्मा आज हम सुबह नहाएंगे नहीं, आज संडे है तो हम आज पूरे दिन मस्ती करेंगे और आज हमें स्विमिंग पूल में नहाना है। तो इनके लिए हम स्विमिंग पूल लाए लाए हैं छोटा सा, तो उसी में वो नहा रहे हैं अभी, वही हैं। तभी यहाँ शांति है और बाहर बालकनी में नहा रहे हैं। मेरे हस्बैंड, आज संडे है लेकिन आज वो गए हुए हैं ऑफिस और कल ऑफ लेंगे, इसलिए उसके बदले में आज वो ऑफिस गए हैं। कल हमें थोड़ा सा काम है। एक्चुअली हम ना हमने फ्लैट लिया था तो हम शिफ्ट हुए हैं आज, सॉरी 2 साल हो गए हमें शिफ्ट हुए, 2 साल होने वाले हैं, बट हमने अभी तक रजिस्ट्री नहीं कराई थी, रजिस्ट्री हुई नहीं थी एक्चुअली, बंद हो रखी थी। तो कल उसकी रजिस्ट्री होनी है इस फ्लैट की हमारे, तो इसीलिए आज वो वर्किंग है, आज ड्यूटी कर रहे हैं और कल वो ऑफ लेंगे। हम यहाँ रहते हैं अपनी फैमिली के साथ और यहाँ पर अभी कोई नहीं है, सब सास ससुर लोग गांव में रहते हैं। और ये है मेरी छोटी सी फैमिली। और चलिए मैं दिखाती हूँ मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। अभी उनको पता नहीं है मैं उनकी वीडियो बनाऊं। अभी देख रहे हैं कितनी मस्ती कर रहे हैं वो वहाँ पे। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो नानी? ये सारे सारे ये क्या कर रहे हो? तो गाइस आज मैं बहुत एक्साइटेड थी कि आज, पता है, आज जो मैंने आज एक सब्जी बनाई है वो भी अपनी घर के किचन गार्डन से उगाई हुई सब्जी बनाई है, वो भी अरबी के पत्तों की सब्जी। हाँ, मैं काफ़ी दिन से सोचती थी कि एक्चुअली ना बाज़ार से तो हम लाते हैं, लेके आते हैं, बनाते हैं, तो बट वो फीलिंग नहीं आती, वो खुशी नहीं आती जो घर पे उगाई हुई सब्जियों से आती है ना। शहरों में तो कहाँ घर का, वो गांव की तो बात अलग होती है कि गांव की सब्जियाँ, घर में उगाई हुई सब्जियाँ, ऑर्गेनिक खाद से अच्छी से सब्जियाँ उगाते हैं जो, और बहुत हेल्दी होती हैं वो। आजकल तो कितनी रासायनिक खादें हैं जो जिनसे सब्जियां उगाते हैं, बट मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैंने अरबी जो है, एक्चुअली अभी बरसात थी कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले बहुत बारिश थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अरबी लगाई जाए। अरबी लेके आए थे मेरे हस्बैंड, तो मैं इसमें से जो छोटी छोटी सी अरबी थी मैंने उनको बो दिया था। एक्चुअली मैं मतलब बहुत शौकीन हूँ प्लांट्स की, मुझे पेड़ पौधे लगाना बहुत अच्छा लगता है, आपको देख भी रहोगे, आप देखिए मेरे घर में इंडोर प्लांट्स भी काफ़ी हैं और मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है इनको देख के। देखिए ये भी है काफ़ी छत पर भी, कभी मैं आपको भी ब्लॉग बनाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने छत पर भी काफ़ी प्लांटिंग की है, आम का पेड़ भी लगाया है, नींबू का भी पेड़ लगाया है और काफ़ी पेड़ लगाए, एक चंपा का पेड़ होता है, चंपा आप जानते हो, अभी दिखाऊंगी उसकी। बरसात में मैं कलम लाई थी, एक्चुअली यहाँ बहुत सारे सोसाइटीज़ हैं तो आपको मालूम होगा सोसाइटीज़ के सामने काफ़ी चीज़ वो चंपा के पेड़ काफ़ी लगाए जाते हैं,
तो उसमें से मैंने कलम तोड़ी थी वहाँ से, तो तीन कलमें मैंने लगाई थी जिनमें तीनों अभी ग्रोथ कर रही हैं। काफ़ी उनको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है, उनके लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है उनको। इसलिए मैं आपको चंपा का प्लांट की कलम दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने ये ना, ये है चंपा का प्लांट, कलम लगाई हुई थी एक्चुअली। फिर मुझे गमले नहीं थे, गमलों में जगह नहीं थी ना, तो मैंने अरबी के जो पत्ते थे यहाँ पे दो यहाँ पे बो दिए थे। इसमें भी ये देखिए, ये अरबी के पत्ते बोए हैं। ये भी चंपा की प्लांट की कलम है, और ये भी देखिए, ये भी चंपा के प्लांट की कलम है, और ये मैंने बो दी थी, अभी ग्रोथ कर रही हैं फिलहाल। इनको काफ़ी थोड़ा सा केयर की ज़रूरत होती है, इनको चंपा का प्लांट बोलते हैं। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे कुक हैं, तो उनसे मैंने कुकिंग सीखी है, और आज मैंने अरबी के पत्तों की सब्ज़ी बनाई है। हस्बैंड जो कि घर में नहीं है, बट उनके लिए मैं रख दूंगी शाम के लिए, और वो टेस्ट करके बताएंगे कि मैंने कैसी बनाई है। बट मैं इतनी एक्साइटेड हूँ आज, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये अरबी के पत्ते जो मैंने शाम को ही अपने गमलों से काट के रख लिए थे, इसको मैंने चॉप कर लिया है बारीक। फिर इसमें मैं बेसन और चावल का आटा, बाकी हल्दी, धनिया, नमक वगैरह डालकर इसको अच्छे से, जैसे पकौड़े बनाते हैं उस तरीके से, पकौड़ों की शेप में इसको बना के इसको फ्राई कर दूंगी कढ़ाई में। इन पकौड़ों को ब्राउन होने तक मैंने पका लिया है, फिर उसके बाद मैंने कढ़ाई से निकाल दिया है। फिर एक मिक्सचर जार लिया हुआ है, उसमें मैंने प्याज टमाटर का एक पेस्ट तैयार किया हुआ है। फिर उसके बाद मैं इसको फ्राई कर दूंगी, उसमें पकोड़े डाल के इसको तैयार कर दूंगी। ये है मेरी अरबी की रेसिपी। अगर आप भी इस रेसिपी को बनाना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके ज़रूर चेक करें। ये मेरी अरबी के पत्तों की सब्ज़ी है। खुशी अलग होती है ना अपने घर में उगाई हुई सब्जियों को खाने की। तो आज का दिन मेरा रहा कि काम तो मेरा 8 बजे तक हो गया था लगभग, लेकिन वही है ना कि अरबी का मैंने सोचा कि आज, कल मैंने इसको काट के रख लिया था इन पत्तों को, मैंने सोचा क्यों ना आज इनको बनाते हैं। कि मेरे बच्चे अभी नहा रहे होंगे, नहा चुके हैं, अब मुझे उस दिन उन्हें जाना है और उन्हें पोछ पाछ के, और फिर थोड़ा सा खाना वाना खाएंगे। उसके बाद आज पढ़ाई करनी है थोड़ी सी, क्योंकि संडे है तो मुश्किल लगता है कि मुझे वो पढ़ाई करेंगे। बाकी आपको हमारा फर्स्ट ब्लॉग कैसा लगा, आपने इंजॉय किया कि नहीं, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, हमें अप्रिशिएट कीजिए, ताकि मुझे भी हिम्मत मिलती है कि हाँ मुझे आगे और भी ब्लॉग बनाने चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।